धनबाद में अवैध खनन के दौरान हादसा, 3 की मौत, मलबे में दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका। प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद की जमीन पर बने फ्लैटों की निकाली जाएगी लॉटरी। कर्नाटक में 11 जून से मुफ्त बस यात्रा करेगी महिलाएं, पहली गारंटी को लागू करेगी कांग्रेस। कुश्ती की लड़ाई में नया मोड़, पुलिस सुरक्षा में महिला पहलवान ब्रजभूषण सिंह के घर पहुंचे। फिर वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो में शरारत का नया वीडियो, DMRC ने कहा कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान, पारा 40 के पार। IMD ने 14 जून तक तापमान की बढ़ोतरी के साथ बारिश की कोई आशंका नहीं जताई। नीलेश राणे के शरद पवार को लेकर दिए गए बयान पर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। सड़कों पर उतरे NCP कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के IG मनोज सिन्हा गृह मंत्रालय पहुंचे, अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के मुद्दे पर अमित शाह से करेंगे बात। चंबा में पलटा सेना का वाहन, एक युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा, भारी पुलिस बल तैनात। IIT इंदौर ने ताइवान के राष्ट्रीय इलाज विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता, स्टूडेंट और फैकल्टी को होगा बड़ा फायदा।